लागू किया, और फिर यहाँ सरकारें बदली, लेकिन इसको दांव के रोग लखा था। मैं आपको गजब में देखा हुआ कि कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। तो आज इसीलिए इसको बार बार हम सदन में उठाते रहे हैं, और इसमें मेरा कोई किसी तरह का प्रतिरोध की भावना से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जब पी पैसा एक्ट यहाँ पर शेड्यूल एरिया के लिए जब लागू हो गया, केंद्र सरकार ने दिया, और सेम उसी चीज को बिहार सरकार ने 1998 में लागू किया जो बजट प्रकाशित हुआ है। तो जब सच्चाई है तो फिर झारखंड में क्यों यहाँ पर लागू नहीं कर रहे सरकारें? ये सरकार पूर्ववर्ती सरकार भी नहीं किया, और अभी हमारी जो हेमंत सोरेन की सरकार है ये भी इसको ताक में रखे हुए है। इसीलिए इस बात को बार बार, और मैं इसी के पक्ष में, मैं 23 अगस्त को पूरे झारखंड वासियों को, आदिवासी मूल वासियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। 23 अगस्त को राजभवन के सामने हम धरना देंगे, हम लोग धरना देंगे ताकि इसको जल्दी से इसको लागू करा दी। इसमें किसी भी तरह का ये लोग नियमावली बना रहा है, ये लोग मैंने नियमावली बना करके फिर नाटक कर रहा है, ये कुछ नहीं है। इसको लागू करना पड़ेगा, और अगर 23 तारीख को अगर हम लोग धरना पर बैठेंगे, अगर इसके बाद फिर हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे, और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। अच्छा, एक आपकी सुरक्षा का मामला जो है वो सरकार मैं सुरक्षा एक तो बढ़ाया आज रात में आया जी। किस मांग से लेकर जा रहे हैं जो हम शुरू से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ पर जितना गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आदिवासियों को जमीन को लूटा है, उसके पक्ष में मैं खड़ा होकर के बोलता हूँ कि ये गलत हुआ है। यहाँ CATA एक्ट का उल्लंघन हुआ है, उधर हमारे तरफ SPT एक्ट का उल्लंघन हुआ है। जब एक्ट है, एक्ट रहने के बाद भी सरकार ने इसको धरातल पर नहीं उतारा, कड़ी के साथ लागू नहीं किया, और इसके चलते आज यहाँ जमीन का लूट रहा है। मैं लड़ाई लड़ते रहा हूँ, और इसीलिए हमने कहा कि जो अभी का जो हालात है उसको देखते हुए हमने सुरक्षा बढ़ाने की मांग किया था, जो आज सरकार ने हमें एक सिक्योरिटी हाल को बढ़ाया है। सिक्योरिटी आप पहले से 2 था। अभी आप मानते हैं कि आबादी जो सक्रिय है अभी जी, सक्रिय है लग रहा है आपको भी? कौन सी का डर है? जान का। अरे सुनिए ना, ऊपर वाला है, लेकिन जब और लोग को जब सिक्योरिटी मिला है, इतना 5 एकड़ के मिला है, हमको तो 3 ही मिला, फिर भी हम संतोष है। और नहीं तो हमारा 3 16 तो और है, 7 दिया, और बिहार ने भी 1998 में वहां लागू कर दिया, जिसका गजट मैं आप लोगों को दूंगा। और यहाँ पर जो भी सरकारें बनी शुरू से लेकर के आज तक, ये सरकार ने PPSI एक्ट को धरातल पर नहीं उतारा, अभी एक नियमावली बना रहा है, पब्लिक ओपिनियन ले रहा है, ये तो नाटक हो रहा है। तो इसीलिए हम आपको बिहार का गजट भी मैं आपको दूंगा, और उसमें क्या लिखा है सारा चीज आप लोग देख लेंगे। रविंद्र, आपकी सरकार इस मांग पे ध्यान नहीं देती, आप कुछ भी नहीं देती है तो जाएगा, सरकार को विदा कर देगी। जो जमीन चीज है ये अधिकार, हम जनप्रतिनिधि है, हम क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? आपको हल्का क्यों ले रहे हैं? आप हल्का लेगा तो बहुत भारी बुझाएगा बाद में। धरना पे बैठने वाले हैं आप? तेईस अगस्त को हम धरना पर बैठने वाले हैं, और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के मैं आदिवासी मूलवासियों को आमंत्रित करता हूं कि कोई भी दल में है, कोई भी संगठन में है, लेकिन यहां आदिवासी आप लोग हैं। इस PPSI एक्ट को धरातल पर उतारने के लिए आप लोगों का सहयोग हम चाहते हैं। आप लोग आए 23 तारीख को, और 23 तारीख को फिर हम लोग राजभवन के सामने धरना देंगे, और इसके बाद फिर हम लोग महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे, और इसके बाद नहीं होता है तो फिर हम राष्ट्रपति के पास भी बीजेपी को आमंत्रित करते हैं। क्यों आमंत्रित करेंगे? ऐसा सवाल सब आप लोग पूछते हैं, जल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, क्या बॉडीगार्ड वाला सिक्योरिटी वाला? हाँ, आज रात में दिया, एक सिक्योरिटी बढ़ाया। सुरक्षा को लेके आप मांग किए थे, क्या डर है, किस टाइप का डर? डर कौन ठीक रहेगा, सबको मिलता है तो हमको भी मिलना चाहिए, मिला है। दो था तो हमारा, पहले 3 था, हाउस गार्ड भी था, हाउस गार्ड भी चिना गया, 1 था उस श्रावणी मेला में 2 साल पहले उसको ले लिया, अभी मात्र 2 था। तो और लोगों को जब 5-6 मिलता है तो हमको तो कुछ अच्छा 3 मिला। सुने यार, मंच तो नहीं बनाने दिया, कहाँ फोड़ते हम बम? वहाँ DC SP जाकर के मंच तोड़ दिया, नहीं बनवाने दिया, हटा दिया, कहाँ हम मंच खुला, कहाँ हम बम फोड़ते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे बम। हाँ भाई, तो वहाँ हमको मंच तो नहीं बनाने दिया ना।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।